सर, हम अपने भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? देखिए, कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे उसका। मैं जानवर का डॉक्टर हूँ, लेकिन ये बताता हूँ कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियाँ ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदास का भाषण मैंने सुना है, वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर बनाता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए, भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूँ, हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है। इसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। केवल स्वार्थ, कट्टरपन, अलगाव ये छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे तो सत्य तो सबके सामने है। आंखें हमने मूंद ली है, हम आंखें खोलेंगे सबको पता चलेगा। आंखें खोलने के लिए प्रेम से आवाज़ देना, सेवा करना, ये करना पड़ेगा, वो हम करेंगे तो ये मैंने जैसा बताया आपके बूढ़े रिटायर होने के पहले आपको दिख जाएगा।